खत्म करना है और मुझे वापस से मेरे रिलीजन मिलाना है। एक्सक्यूज मी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? भाई आप काम कीजिए ना, काम कीजिए ना प्लीज, यहाँ पे कुछ बात चल रही है। ऐसे खड़े होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पब्लिक प्लेस है ना। नहीं पर दो लोगों की बात में आप नहीं आ सकते ना, प्लीज को दे। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी प्राइवेसी का हनन कर रहा हूँ तो आप बाहर जाके बात कर लीजिए। नहीं मैं बात नहीं सुन सकते, ठीक है आप जाइए। तो आप बात करिए ना, मैंने आपसे थोड़ी बोला कि आप मुझे बताओ, और मैं जानना भी नहीं चाहता। फोन हो जाते हैं, सब ले सकता है, और मुझे अभी रिटर्न मेरे पास में रिटर्न जाना है। अब जो हो गया तुम देख लो आगे क्या करना है। क्या करना है मतलब आप क्या बोल रहे हैं? तो मीन्स नहीं रहना भी आपके साथ। क्यों नहीं रहना है? आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं जो मैंने आपको हाथ पकड़ के कहा कि मेरे साथ में चलो अपना रिलीजन चेंज कर लो। मैं आपको कोई अपनी जगह से उठा के लाने के लिए तो गई नहीं थी ना, आप खुद आए थे। और इवन मैंने आपके सामने शर्त रखी थी कि अगर आप रिलीजन चेंज नहीं करोगे तो आप शादी नहीं कर सकते करके, तभी आपने क्यों नहीं कहा? आप छोटे बच्चे थे क्या तभी? मेरे मन से था ना कुछ, मतलब फीलिंग ऐसा टाइप की थी कि मेरे को रहना था। अब मतलब मन नहीं हो रहा, मतलब ऐसा कि नहीं मेरी गलती क्या, मेरे को मेरे कास में रिटर्न जाना है, मैं नहीं हो पा रहा। मतलब तो उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, उस वक्त आपको मेरे पैसे दिख रहे थे? बात ऐसी भी है ही नहीं, मैंने तो कभी बोला ही नहीं। तो कैसी बात है फिर? आप ऐसे बोल कैसे सकते हो? आप इस तरीके से रिएक्ट कैसे कर सकते हो कि मैं नहीं रह सकता? मतलब एक रिलेशन आपके लिए कुछ मायने रखता ही नहीं है। शादी के बाद आप बोल रहे हो कि मुझे रहना नहीं है, बेसिकली तो आप मेरे पीछे पैसे ही रख करके आए थे ना। मैं ये बात करूँ कैसे, आगे बताऊँ कैसे? हाँ जब हम दो लोग होते हैं तो हम दो होते हैं, पर मैं अकेले ये चीज़ फैमिली में आगे बताऊँगी कैसे, करूँगी कैसे? आपने सोचा है आगे क्या उस चीज़ का असर हो सकता है? उससे मतलब नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। देखिए आप ऐसे नहीं बोल सकते, कोई भी चीज़ ऐसे ख़त्म नहीं होती है। कि शादी खाने का काम नहीं है, कोई चीज़ ऐसे ख़त्म नहीं होती है। तुम क्या चाह रहे हो बताओ? देखो मेरे को तो मीन्स जाना है, मेरे कास में जाना है, नहीं हो पा रहा है। मैंने आपके पीछे पैसे खर्च किए? अरे यार बात पैसे की कहाँ से आ रही बीच में? क्यों नहीं आ रही है? तब क्या आप पक्के थे? कभी आपको समझ नहीं आया? मैंने कौन सा आपसे पैसे मांगा था कि मेरे को चाहिए, कि मेरे को दो, मेरे को ये है? तो अलग बात, तुम खर्चा करे अलग बात है, ठीक हो गया। पर आपको जान तो पता चल गया था ना उस टाइम पे कि हाँ मुझे इसकी नीड है, कर पाओगे जितना तुम आसान समझ रहे हो जाना। तुम जबरदस्ती रहोगे किसी के साथ? जबरदस्ती मतलब वो मेरे पैसे देख के आया है मेरे पीछे भाई, और हमने मैंने उसके सामने शर्त रखी थी कि उसे रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, तब उसने एक्सेप्ट क्यों किया ये चीज़? उसको नहीं करना चाहिए था उस टाइम पे। कौन है आपकी बताइए, कौन हूँ मैं? कौन है आपकी? ये मेरी वाइफ थी। वाइफ थी मतलब? मतलब मुझे अब नहीं रहना है, मुझे मूव ऑन होना है। नाम क्या है आपका? प्रणव। प्रॉब्लम क्या है प्रणव? कुछ नहीं भाई, ओवर टाइम पे मीन्स मैं वो हो गया था थोड़ा, मतलब दिमाग चला नहीं अभी, मतलब मेरा मन नहीं हो रहा मेरे को रहना है। इनके मैं अपना आस पास सब चेंज किया, पर मुझे नहीं हो पा रहा है, मैं अपने सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कैसे नहीं कर पा रहे इतने दिन आप रहने के बाद में? आप अभी बोल रहे हो कि मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तब आप क्या छोटे बच्चे थे? आपको क्या किसी ने लिख के दिया था कि आपको ये चीज़ करनी है? आप खुद से ही आए थे ना उस टाइम पे मेरे पास में, आप खुद से ही आए थे ना? हाँ, और वो क्या आपने मेरा पैसा देख के शादी की है? अभी कैसे बोल सकते हो? सब मुझे सबको समझाना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा, मैं खुद कैसे रहना ही पड़ेगा? तुम कैसी बात कर रहे हो? हाँ तुम वैसे भी मेरा पैसा देख के आए हुए थे, तुमको क्या लगता है तुम ऐसे जा सकते हो छोड़ करके? हाँ मुझे छोड़ना आसान समझते हो? को कन्वर्ट करा के प्यार करना अच्छी बात है क्या? लेकिन मैंने उनसे जोर जबरदस्ती थोड़ी की थी, मैंने उनको फोर्स थोड़ी किया था। आई जस्ट टेल हिम, मैंने सिर्फ बोला था, पर उन्होंने खुद से किया है, खुद से वो आए थे, वो इतनी मोहब्बत में कभी शामिल हो गए थे आने के लिए, और अभी वो ऐसे बोल रहे हैं, उनको मैं ऐसे जाने दूंगी क्या? प्यार अगर एक्चुअल में होता है ना तो कभी कास्ट को कन्वर्ट नहीं कराया जाता। अगर पसंद था तो आप ऐसे ही कर लेती। ये कैसी शर्त है कि मैं आपसे तभी मैरिज करूंगी जब आप कन्वर्ट होगे? पर उनको पता था, पता रहने के बावजूद वो उन्होंने चेंज करके मेरे साथ में किया, और अभी वो बोल रहे हैं नहीं रहना है। तभी तो उनको पैसे दिख रहे थे उस टाइम पे, और अभी ऐसे बोल रहे हैं कि वो सुधारना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है आपको? शादी के बाद में कौन सी गलती सुधरती है? आप कैसी बात कर रहे हो? सब कुछ एक चीज़ जब पहले होती है तो हम लोग उसको वक्त से पहले सुधार सकते हैं। शादी होने के बाद में कौन सी गलती सुधारते हैं? यह पहले ही नहीं करना चाहिए था। मैंने इसे पकड़ा तो था नहीं, इनको रोका तो था नहीं, फोर्स तो किया नहीं था। इनका खुद का उस टाइम पे उतना तो दिमाग चलना चाहिए ना। आपने उस टाइम पर क्यों नहीं सोचा? भाई उस टाइम पे मींस माइंड बराबर नहीं हुआ, एकदम यही था कि मुझे को रहना है रहना है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा कि नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, मैं अपना काज चेंज। आपने गलती नहीं, आपने गुनाह कर दिया है।
इन्होंने आपको धमकाया था, आप नादान तो थे नहीं ना, 18 साल करके आप फंस गए। और ये कैसा प्यार है जहाँ पे आप कन्वर्ट हो रहे हो? शादी करने की एज में जब आपको पता है कि आप शादी कर रहे हो तो आपका इतना, आप इतना डिसीजन मेकिंग हो, तो आपने खुद से ही वो फैसला, वो डिसीजन मेकिंग उन्होंने नहीं लिया, आपने उनको जबरदस्ती करवाया, ये सच्चाई है। अगर आपको वो पसंद था तो आप ऐसे ही कर लेती, चेंज करवाने की क्या हो सकता थी आपको? पर जो था मैंने बोल के किया ना, एटलीस्ट मैंने उसके ऊपर में कोई ज़बरदस्ती तो किया नहीं कि तुझे करना ही है करके, मैंने फोर्स नहीं किया था, फोर्सफुली नहीं, वो अपने शौक से हुए थे, अपने दिल से हुए थे, अपनी मर्जी से। और वो इतने समझदार तो है ना, तभी तो उनको इतनी समझ थी ना, तो वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो नहीं रहना चाहता है तो ज़बरदस्ती तो आप रहोगे नहीं साथ में। मैं ये सब चीज़ घर पे कैसे बताऊंगी, मैं क्या करूंगी, आगे कैसे करूंगी मैं सब कुछ? यही सिचुएशन इसके साथ भी रही होगी कि मैं अपने घर पे कैसे बताऊँ। आपके घर पर पता है आपने शादी कर ली है? नहीं, क्योंकि मैं रिटर्न मेरे पास में है, रिटर्न को मेरे माँ के पास जाना है। तो आपने भी किया है ना, तो जैसा आप करेंगी रोटेट तो वैसा ही होगा ना। आप जबरदस्ती किसी को रख नहीं सकते हैं, ये इंसाफ नहीं है। ये रहना तो इनको मेरे साथ में पड़ेगा, ठीक है, या तो ये मेरे साथ में प्यार से रहेंगे, मान के बात करके सबके साथ में, या नहीं तो फिर इन्हें तो पता ही है कि मेरे पास में पैसा कितना है, ये अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो इन्हें जबरदस्ती भी तो रहना ही पड़ेगा मेरे साथ में, रहना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली आप अपनी मर्जी से आए थे। इनडायरेक्टली आप क्या बोलना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्हें रहना है। आप उसके मॉरल को डाउन मत करिए और उसको धमकाइए नहीं। आप, मैं उन्हें धमका नहीं रही हूँ। रिश्ते ना प्यार पे चलते हैं, धमकियों पे नहीं चलते हैं। आप तो खुद ही ऐसे मोड़ पर हो कि आप जा नहीं सकते हो, और जाओगे तो मैं आपके साथ ये कर दूंगी, ये सही है क्या? शादी हुई है, निकाह हुआ है मेरा इनके साथ में, क्या मेरा इनको छोड़ना सही है? इंसाफ के तराजू पे अगर रखा जाए ना तो उससे ज्यादा आप गुनाहगार हैं। गलती उसने भी किया लेकिन आपने तो गुनाह किया है ना। वहां पर देखिए कैमरा लगा है, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपसे पूछ कर मेरा कैमरा नहीं बंद होगा, मैं प्रणव नहीं हूँ। आपके पहलू पे अगर रखा जाए ना तो उससे ज्यादा आप गुनाहगार हैं। करने के लिए इतनी बड़ी शर्त रखी जाए? प्रेम तो सरल होता है यार, कॉम्प्लिकेटेड तो आप बना रही है ना। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, लेकिन किसी को ये बोलना कि आप कन्वर्ट हो जाओ, चेंज हो जाओ, ये चीजें आप बताओ उचित है, सही है? इस थॉट प्रोसेस को कैसे कोई सपोर्ट कर सकता है? बाकी गलती आपने भी की है तो आपको भुगतना पड़ेगा। अरे आप प्यार करते थे, आपको चेंज होने की क्या आवश्यकता थी? और चेंज हुए हो तो आप एक्सेप्ट करो। से हैं आप? गाइज मैं ऐसी थिंकिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, और आपको इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना है। मुझे आप लोग बताओ क्या मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि गुनाह तो इन्होंने भी किया है।